नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और शीतलहर चलने के कारण मैदानी इलाकों में पारा गिरने से संपूर्ण उत्तर प्रदेश विकराल ठंड की चपेट में है। भीषण सर्दी से बचाव के लिए जहां सरकार पुख्ता इंतजाम करने के वादे कर रही है, तो इसकी धरातल पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जनपद ललितपुर समेत शासन द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले मलिन और अत्यंत गरीब तबके के लोगों को कंबल वितरण करने के उद्देश्य से लेखपालों के माध्यम से गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बुलाया गया था। कंबल मिलने की सूचना पर सुबह 8 बजे से ही ज़रूरतमंदों की भीड़ जमा होने लगी थी, किंतु ज़रूरतमंदों का दुर्भाग्य यह रहा कि कंबलों का बंदरवांट हो गया। किसी को कंबल मिले तो ज़्यादातर लोग सुबह से शाम तक अधिकारियों के आवासों पर अपने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ भटकते रहे और बाद में मायूस होकर ही वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि ललितपुर में गुरुवार को प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव को कंबल वितरण के साथ साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करना थी। वहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और पात्र लोगों की यदि माने तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि गरीबों के साथ कंबल वितरण में सौतेला व पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ है। मुश्किल से 100 से 150 लोगों को ही कंबल बांटे गए और बाकी लोग सुबह से शाम तक DM व सांसद आवास के ही चक्कर लगाते रहे और बाद में मायूसी ही उनके हाथ लगी। प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा में गैर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार लगाई तथा स्कूलों में गैर हाजिर शिक्षकों पर निलंबन की कार्यवाही की। इस दौरान उन्होंने आवास योजना में वसूली करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने की भी बात कही और रवाना हो गए। वहीं जिन लोगों को कंबल नहीं मिले, उन लोगों ने आक्रोशित होकर DM आवास के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला नवोदय प्लस टाइम्स पर ललितपुर से नासिर मीडिया की इस रिपोर्ट में। नहीं नहीं, आपको क्या आश्वासन दिया, किसने बुलाया, आप इतनी भीड़ लेके कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब माननीय जिला माननीय लेखपाल जी ने बुलाया था कि DM माननीय मंत्री जी यहाँ पर कंबल बांटेंगे, तो हमारे बाढ़ की जनता को हम लेके आ गए, लेकिन वहाँ पर उनको कंबल के नाम पे कुछ नहीं मिला। दिन भर से भूखे प्यासे बैठे हैं, गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, उन इनके लिए अभी DM आवास पर बैठे थे, DM आवास पर आश्वासन दिया गया कि आप लोग तहसील जाइए, आपको तहसील पर कंबल मिलेंगे। अभी यहाँ आप कहाँ हैं? यहाँ पर हम सांसद जी कार्यालय पर आए थे, जो कार्यालय प्रभारी हैं उनसे अनुरोध किया कि हमारे बाढ़ की जनता गरीब है और निचले तबके के लोग रहते हैं, इनके लिए कंबल की अति आवश्यकता है, क्योंकि ठंड काफ़ी मात्रा में पड़ रही है, जिससे कई वृद्ध लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं एक आम नागरिक की तरह हम चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता की जितनी भी मदद हो सके हम प्रशासन द्वारा कराएँ। कितनी संख्या है आपकी बाढ़ की? हमारे बाढ़ की जनसंख्या है लगभग 7-8 हज़ार के समथिंग है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट में 250-300 के लगभग हैं। क्या मंत्री आए चले गए आप लोगों को देख, क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है कि हमारी गरीब जनता के लिए इतनी कंबलों की आवश्यकता है, उसको पूर्ति कर दें, बाकी हम उनसे यही आशा करते हैं। सांसद कार्यालय से क्या आपको आश्वासन है? सांसद कार्यालय से जो यहाँ के कार्यालय प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि आप तहसील जाइए, मैं अभी बात करता हूँ और आपको कंबल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से यही उम्मीद है कि मलिन बस्तियों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, यहाँ की जनमानस जो पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, उसके लिए जो तरस रहे हैं, परेशान हैं, इसके लिए भी लोग विशेष तौर पर एक अभियान चलाएं और मलिन बस्तियों में अधिक से अधिक काम हो सके। क्या आपको लगता है कि आप तहसील जाने के सारे लोगों को कंबल मिल जाएंगे? आशा तो ऐसी है हम लोगों को कि मिलेगा, जैसा कि आश्वासन दिया गया, आगे फिर ईश्वर की मर्जी है। क्या बजे से आगे थे आप लोग? 8 बजे सुबह 8 बजे से 9 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। अभी क्या समय हो गया है? अभी तो लगभग 5 के समीप होगा। राज भाई, आप यहाँ किस लिए बैठी हैं DM साहब कार्यालय के बाहर? सर बुलाया गया था हम लोगों को, दियो हम आपको कंबल देंगे, तो यहाँ सारी औरतें 250 औरतें बैठी हैं सर, और वहाँ तो कुछ नहीं जो है, गाँव वालों को बांट दिए गए सर, अब बोले गाँव सिटी वालों को नहीं है। आप जो है आप बताइए, हम तो यहाँ आवास पे बैठे हैं DM साहब के। हम आओ बार बाती इधर काय के लिए बैठी? कंबल गिलाने बैठे। फिर मिला ही नहीं रहा काम मार, भूखे बैठे और काल खाना नहीं खा हुआ, भूखे प्यासे बैठे आज दिन भर की। शारदा, यहाँ कितनी आई थी आप लोग? सब महबल वाले आया था, कम्बल की सूचना दी गई थी। हाँ। हम लोग कम्बल को सवेरे 8 बजे से बैठे हुए हैं। हाँ। अभी कोई सुनाओ नहीं है हम लोगों को। हाँ। क्या
करती हैं आप लोग? हम कुछ नहीं करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बस गलियां बनाते हैं।